बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेट सोलर। और आज ए ग्रेट सोलर की टीम मौजूद है लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी में, और यहाँ पे हम 16 किलो वाट का सिस्टम लगाने जा रहे हैं। तो हमारा ये जो 16 किलो वाट का सिस्टम है, ये 5 मंजिला घर के लिए है, जिसमें दो दो पोर्शन करके जो है वो हम इस पर लोड डिवाइड करेंगे और 8-8 किलो वाट के 2 इन्वर्टर्स लगाएंगे। ये नाइट्रोस की न्यू इन्वर्टर रेंज में से लग रहे हैं। इसमें लिथियम बैटरीज आ रही हैं, जो कि लियारी मतलब कहा जाए कि शेरशाह की बनी हुई हैं, मतलब मेड इन कराची है, असेंबल हो रही हैं यहाँ पे। तो ये बैटरीज भी हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, इसका रिव्यू भी आपको देंगे, बैटरी के बारे में भी बताएँगे। प्रोजेक्ट के अंदर 620 वाट के सोलर पैनल्स आ रहे हैं। कोशिश होगी कि इसका लोड टेस्ट भी करें, प्रॉपर आपको दिखाएं। इस वक्त मेरे पस मंज़र में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो कि अप्रेज स्ट्रक्चर यहाँ पे आ चुका है। इसके हवाले से भी मैं जो है आपको डिटेल सारी शेयर करता हूँ। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट्स के अंदर आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हम आपको मास्टर व्यू दे रहे हैं पैनल्स का, जो कि इस वक्त हमारे 24 सोलर पैनल आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे क्लाइंट का इरादा ये कि 28 से 32 पैनल तक इसमें ऐड किए जाएं, लेकिन 28 पैनल इसमें आ जाएंगे। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे, लेटर ऑन इंशाल्लाह ये पैनल्स हम ऐड कर देंगे इसमें। तो इस वक्त गार्डर के साथ नीचे पाइप है, ऊपर गार्डर है, ये पूरा अप्रेज स्ट्रक्चर है जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह के सिमिलर स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें हम बदीन की तहसील है गुलारची, वहाँ पे भी इस तरह का एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। मातली है हमारा एक तहसील, मातली बदीन की, वहाँ पे भी 16 किलो वाट का एक प्रोजेक्ट जाएगा। तो वहाँ पर भी इस तरह के इंशाल्लाह अप्रेज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, हाइट ज़्यादा होने की वजह से इस पैनल की पर पैनल कॉस्ट, वॉकिंग ट्रे वगैरह भी है, तो तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये पर पैनल यहाँ पे कॉस्ट आई है इस स्ट्रक्चर की। और इसके हवाले से डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। पाँव वगैरह आप देख सकते हैं कि हमने इसके प्रॉपर बंद कर दिए। पीछे जो सपोर्ट है वो कॉलम से ली हुई है, तो हमारी ये मिड वाली टोटल जो है वो इस तरह की 6 सपोर्टें जिस पे ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टैंड कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नाइट्रोक्स का इन्वर्टर है, जो कि लेटेस्ट मॉडल है, और इसके साथ जो चेंजिंग की है वो तो एक सीटियाँ आप देख रहे हैं, डीसी साइड पे अब से सीटीज ऐड होके आती हैं। इसके अलावा जो इसमें मेजर चेंज है वो ये है कि इंस्टॉलर्स के लिए इन्होंने एक दरवाज़ा दे दिया है। इससे पहले इसको पूरा हटाना पड़ता था, लेकिन अब ये दरवाजे खोल के जो है वो आप इसमें ईजिली इंस्टॉलर्स वगैरह जो है वो काम कर सकते हैं। साइज़ की अगर बात की जाए तो एज़ कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा लग रहा है, जो कि पहला वेरियंट था, लेकिन कमो बेश वही लग रहा है साइज़। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने 2 सोलर पैनल्स के स्ट्रिंग इसमें कनेक्ट कर दी हैं। 6-6 सोलर पैनल हम इस वक्त एक एक इन्वर्टर पे जो है टोटल 12-12 पैनल्स ऐड करने जा रहे हैं। हमने इसमें स्मार्ट लोड भी ऐड कर दिया है, इसकी अभी अर्थिंग करते हैं, सीटी वगैरह हमने इसमें ऐड कर दी है। डीबी बॉक्स जो है वो हमारा प्रॉपर इसमें आ गया है। टोटल थ्रू आउट 6 mm वायर्स जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और बैटरी साइड पर जो है वो हम 25 mm का वायर इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये आपको हम बैटरी दिखा दें जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये मेड इन कराची कह सकते हैं, क्योंकि कराची में असेंबल हो रही है। ये लोगो आप चेक कर सकते हैं, इसके सामने लगून के नाम से ये बैटरी है, जो कि इस वक्त ये असेंबल हो रही है। और इसकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको दिखा सकूँ प्रॉपर, क्योंकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, रात में दिखा दूँगा। ये बैटरी जो है वो 2024 है। मैक्सिमम इसके जो वोल्टेज हैं वो हैं 57, और डिस्चार्ज वोल्टेज जो है वो 46 है। तो 50 एम्पेयर चार्जिंग है और 100 एम्पेयर डिस्चार्ज करंट इसकी सेटिंग है। 5000 वाट इसकी कैपेसिटी है। 16 सेल ये बैटरी है, इसके बारे में यही बताया गया हमें। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, तो फिर आप लोगों से भी इसका रिजल्ट जो है वो शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टैंड आएगा, लेकिन फिलहाल हम आरजी कनेक्शन करने के लिए इसको टेबल पर रखा हुआ है। ये पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस घर का मेन डीबी बॉक्स है जिसको मैनेज कर रहे हैं, और हम अपने 2 सोर्सेज जो हैं वो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, के इलेक्ट्रिक 1 और के इलेक्ट्रिक 2। 2 मीटर्स हम इसके थ्रू देंगे, और जो दूसरा सिलेक्टर आप देख रहे हैं वो हम दे रहे हैं हैवी लोड के लिए, अगर हैवी लोड को बाईपास करना हो तो उसके लिए यूटिलाइज़ किया जा सके। तो 2 सिलेक्टर्स इनके पहले से हैं, इनको भी यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये एक फ्लोर है, इसी तरह का काम जो है
मतलब ये एक इन्वर्टर दो फ्लोर को पावर अप करेगा और इसी तरह से फिर दूसरा इन्वर्टर जो है वो बाकी के दो फ्लोर्स को पावर अप करेगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रॉपर मैनेज करें, फिर आपको एक आखिर में फाइनल व्यू देते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस पे थोड़ा सा लोड बढ़ाया हुआ है, सुबह के 9:50 हो रहे हैं, तो 5 से 6 किलोवाट के करीब लोड है और इस वक्त हमारी मैक्सिमम जनरेशन 3.74 किलोवाट हो रही है। इसका मतलब ये कि जनरेशन इतनी पावरफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए 10 बजे के करीब। तो तकरीबन 4.25 किलोवाट जो है वो हमें सोलर से रिसीव हो रहा है। तो ये इस वक्त की टेस्टिंग है, कोशिश करते हैं इसको 12 बजे भी दोबारा रीटेस्टिंग में लेके आए ताकि आपको इसकी मैक्सिमम सोलर जनरेशन 12 पैनल्स 620 वाट जिनको बायफेशियल की हम आपको चेक करवा सकें। ये आपके सामने दोनों स्ट्रिंग है, 270 वोल्ट आ रहे हैं, 2720 वाट जनरेट हो रहे हैं 7-7 एम्पेयर के हिसाब से। तो ये अगर 10-10 एम्पेयर या 11-12 एम्पेयर भी आ जाते हैं तो इस हिसाब से 8000 वाट हमें जनरेशन मिलनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने डीबी बॉक्स मैनेज कर लिया है, इनका सिलेक्टर्स आप देख सकते हैं ऊपर इस वक्त सोलर पे ऑन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वायर्स के, यहाँ पे ये इतनी सारी वायर्स क्या कर रही हैं। तो ये देखें, सारी 6 mm वायर्स हैं और यहाँ से हैवी लोड और सॉफ्ट लोड नीचे जा रहा है नीचे वाले फ्लोर पे, इसी तरह से चार्जिंग जो है वो नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आ रही है। तो ये मीटर शेयरिंग हो रही है दोनों पोर्शंस की। तो हमने डायरेक्टली यहाँ से जो सीढ़ियों के पास ही होता है ना, यहाँ से सुराख करके इसको नीचे ले गए। तो ये दो फ्लोर इस पर स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, नीचे वाली वायरिंग भी चेक करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस फ्लोर से हम आ गए हैं नीचे वाले फ्लोर की तरफ। तो ये अब डक पट्टी देख रहे हैं कि हम अभी इनका जो है वो मेन स्विच यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो इसको भी कंप्लीट करके दोनों फ्लोर्स का लोड जो है वो हम अभी इन्वर्टर पे रन करेंगे और फिर चेक कर देंगे 12 बजे के करीब हमें क्या जनरेशन मिलती है। फ्रेंड्स, इस वक्त हमने नीचे वाले फ्लोर का कुछ लोड इस पर ऑन किया हुआ है और इसके साथ हमारा लोड जो है वो 5 किलोवाट अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस कर रहा है। जनरेशन जो है वो हमारी कम है, इस वक्त 5.4 किलोवाट हमें आ रहे हैं। सो लेट्स चेक के पीवीस का रिज़ल्ट क्या है। तो तकरीबन 11 एम्पेयर पर पीवी हमें रिसीव हो रहे हैं, 263 वोल्ट रेंज बन रही है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये कि ये वोल्ट रेंज आइडियल नहीं है 6-6 पैनल्स की। तो इस तरह के इन्वर्टर पे कम से कम 7 या 8 पैनल की सीरीज़ हो तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है। ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है, मेरा अंदाज़ा ये था कि आज के दिन में हमें 7000 वाट के करीब जनरेशन मिल सकती है, नहीं तो 6000 तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इस वक्त भी 12 बजे के टाइम पे हम जो है वो 5.5 किलोवाट पे अटके हुए हैं। तो ये इसका स्टेटस है इस वीडियो का। तो आज की इस प्रोजेक्ट की एंडिंग जो है वो हम इसके साथ करते हैं, जो इसी साइट पर दूसरा प्रोजेक्ट है उसको इंशाल्लाह फॉलो अप विजिट में हम आपको दिखा देते हैं कि हमने उसकी इंस्टॉलेशन इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से ये वाला प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया है। तो ये आपके सामने एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन आ गई है, इसके हवाले से अगर कोई ओपिनियन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।